गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा द्वितीय विषय विज्ञान पाठ 11 गतिशील एवं स्थिर वस्तुएं, आज मैं गतिशील और स्थिर वस्तुओं के बारे में आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं। कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, स्थिर होती हैं और कुछ गतिशील होती हैं। जैसे आप स्कूल में देखते होंगे, स्कूल में जैसे मेज है, कुर्सी है, या पुस्तक है, या ब्लैक बोर्ड है, या जो भी स्कूल की बिल्डिंग है, वो सब कैसी वस्तुएं, स्थिर वस्तुएं हैं, वो गति नहीं करती हैं। आपने देखा होगा सड़क पर मोटरसाइकिल है, कार है, या हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, ये सब वस्तुएं कैसी हैं, ये गतिशील वस्तुएं, ये चलती हैं। तो हमारे जो आसपास है दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक होती गतिशील और दूसरी स्थिर वस्तुएं। सबसे पहले हमारा गतिशील वस्तुएं। अब गतिशील वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, जैसे बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, ऐसी साइकिल है, हवाई जहाज है, ट्रक है, आदि अनेक वस्तुएं। ये सब वस्तुएं कैसी हैं, ये गतिशील वस्तुएं, ये क्या है, गति करती हैं। लेकिन अब गति कैसे करती हैं, ऐसे नहीं कि अपने आप गति करती हैं, इन्हें गति करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, बल की। अब जैसे साइकिल है, साइकिल पे हम चलाते हैं साइकिल को, तो क्या लगता है, उसमें बल लगता है, हम उस पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ऐसे ही आपने देखा मोटरसाइकिल चलती है, कार चलती है, ट्रेन चलती है, इनमें क्या लगता है, बल लगता है। इसमें कैसा बल है, जो इसके अंदर जो पेट्रोल पड़ता है वो उसकी ऊर्जा से ये चलती है, तो उसके द्वारा ये गतिशील होती है। ऐसी किसी वस्तु को भी गतिशील करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। अब जैसे मान लो मेज पर रखी पुस्तक है, पुस्तक पर हम अगर उसको धक्का देते हैं तो क्या है, वो आगे को बढ़ जाती है। ऐसी कोई कमरे का गेट है, अगर गेट को हम जो खींचते हैं तो क्या होता है, वो गतिशील हो जाता है। तो बल लगाने से जो है कोई भी वस्तु गतिशील हो जाती है। अगर हम उस वस्तु पर उसके विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, मान लो कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, हम पीछे से उसको खींचते हैं हाथ से, तो क्या हुआ, उसकी विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो किसी वस्तु को भी गतिशील करने के लिए या उसको हमें स्थिर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, बल की, हम उस पर बल लगाते हैं। तो ये हमारी सब कैसी वस्तु हैं, गतिशील, ये गतिशील वस्तुएँ हैं। दूसरी आ गई हमारी स्थिर वस्तुएँ। स्थिर वस्तुएँ में जैसे पत्थर है, मकान है, दीवार है, पेड़ है, आदि, ये वस्तुएं कैसी हैं, स्थिर वस्तुएं हैं। ये जो है अपनी जगह अपने स्थान पर रहती हैं, तो इन वस्तुओं को हम स्थिर वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तुएं गति करती हैं उनको हम गतिशील वस्तुएं। अब जैसे आपने देखा गेंद है, हम गेंद खेलते हैं, तो गेंद को जो है एक खिलाड़ी जो है वो गेंद को फेंकता है और दूसरा उसको रोकता है, तो जब वो रोकता है तो उस पर क्या लगाता है, बल लगता है, और जो तेज़ गति से गेंद आती है वो बल लगने से क्या रुक जाती है, तो उसको हम अपने बल द्वारा उसको रोक देते हैं।
तो ये सब किसके कारण होता है? बल के कारण। बल के द्वारा ही वस्तु गतिशील होती है और बल के कारण ही वो स्थिर होती है। अब बल, बल की परिभाषा, किसी वस्तु पर लगाए गए धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। किसी वस्तु पर लगाए गए धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। इसी के द्वारा जो है कोई भी वस्तु गतिशील, उस वस्तु को हम कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम स्थिर कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये आपको पार्ट 11 गतिशील एवं स्थिर वस्तु इसके बारे में समझाया। अब सब बच्चे इसको अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे।